आप देख रहे हैं पोलटॉक का यूट्यूब चैनल और मैं हूं संतोष कुमार पांडे। कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस समय कांग्रेसियों पर जम करके प्रहार हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं पर कार्रवाई हुई है। सबसे पहला नाम था पी चिदम्बरम का, अब नाम आ गया है डी के शिव कुमार का। ये डी के शिव कुमार वही हैं जो कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते थे, मगर आज उन पर ईडी की कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामले दर्ज हैं। दरअसल 2017 में इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और उस समय बताया जा रहा था कि इनके 60 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। डी के शिव कुमार का दिल्ली में जो बंगला है जिसमें सफदरगंज में लोग रहते थे, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई थी और वहाँ से 11 करोड़ रुपये कैश मिले थे। बताया जा रहा था कि वहाँ से पैसे भर करके बैग में लेकर के हवाला का काम किया जा रहा था। दरअसल डी के सिंह कुमार पर कई बार आरोप लग चुके हैं मगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और 2017 में जो वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो सरकार आई, गठबंधन की सरकार बनी, उसमें डी के सिंह कुमार के बारे में ज़रा जान लेते हैं कि डी के सिंह कुमार हैं कौन। डी के शिव कुमार कर्नाटक का वो चेहरा है जो धूमिल ही नहीं कभी गर्दिश में भी नहीं रहा। 1985 से 2013 तक लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। डी के शिव कुमार अभी भी विधायक हैं और माना जा रहा था कि जो कर्नाटक में विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसमें डी के शिव कुमार का बड़ा रोल होगा। क्या उसके लिए रोका गया या डी के शिव कुमार का कहना है पूरे गुजरात चुनाव के राज्यसभा में चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने अहमद पटेल के जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी, या उस पर कार्रवाई हुई है, या उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था सरकार तोड़ने और बनाने में उस पर कार्रवाई हुई है, या सिद्धारमैया चाहते थे कि डी के सिंह कुमार को गिरफ्तार किया जाए या उससे उनका चेहरा उनका रास्ता साफ हो। डी के सिंह कुमार की जो असली लड़ाई थी वो कांग्रेस और जनता दल यस से थी। 1985 में डी के शिव कुमार ने उस विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीता जहां पर जनता दल यस की बादशाहत और हुकूमत चलती थी। डी के शिव कुमार चर्चा में तब आए जब उनको यदिदेवगौड़ा ने 15,000 वोटों से हरा दिया था। 15,000 वोटों से चुनाव हारने के बाद डी के शिव कुमार ने वहां का उपचुनाव जीता और वहीं से राजनीति शुरू हो गई। सातपुर विधानसभा सीट से ये लगातार चुनाव जीते। अब इस समय कनकपुर विधानसभा सीट से वो विधायक हैं और इन्होंने जो भी चुनाव जीता है वहाँ पर 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 से नहीं बल्कि 40,000, 35,000, 50,000 के वोटों के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है। 1985 से अभी तक लगातार विधायक बनने वाले डी के शिव कुमार अकेले ऐसे नेता हैं जिन पर कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई और ये कांग्रेस के सबसे संपत्ति वाले नेताओं में से एक नेता है। बताया जा रहा है कि 2013 में जब इन्होंने अपनी डिटेल दी थी संपत्ति की उसमें इतने पैसे नहीं थे, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो डिटेल दी उसमें 600 करोड़ रुपए की वृद्धि बताई जा रही है। आखिर 600 करोड़ रुपए आए कहाँ से, इनका काम क्या था, ये कैसे बढ़े, इन्हीं सारे सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य इकाई थी कर्नाटक में उसने केस किया, मामले को दर्ज कराया और आज ईडी के छापे पड़ रहे हैं। डी के सिंह कुमार पर हुई कार्रवाई के बाद से कांग्रेस में दिल्ली से लेकर के सभी भयभीत हैं। सभी में ये लग रहा है कि कहीं अगली कड़ी हमारी तो नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये क्या संदेश देना चाहती है ये तो समझ नहीं आता, मगर अगर गलत हैं तो कार्रवाई होना जरूरी है। डी के सिंह कुमार और राहुल गांधी जितनी भी दलीलें दे लें मगर ईडी के कब्जे में अब वो पहुँच चुके हैं, क्योंकि पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसे सियासत की बदलती करवट या बदलाव की आहट समझें या जो समझें, मगर कार्रवाई तो हो ही रही है। डी के शिव कुमार पर बड़ी कार्रवाई है ये, जरा हम इसको समझते हैं। डी के शिव कुमार के बारे में डी के शिव कुमार को बताया जाता है कि ये ऐसे नेता हैं जो कर्नाटक की सियासत को समझते हैं, वहाँ हवा किस तरफ जा रही है उसको भी समझते हैं। डी के शिव कुमार का सपना है वहाँ का मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि कई बार मंत्री रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री, सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं। गठबंधन की सरकार में जब इनको मंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया
तब भी लोगों को उम्मीद थी कि डीके सुकुमार विरोध कर देंगे, क्योंकि इनकी असली लड़ाई देवगौड़ा परिवार से थी, मगर इन्होंने एक्सेप्ट किया और सरकार को भी चलने दिया। डीके सुकुमार चर्चा में नहीं रहे, मगर आज फिर चर्चा में है, उनको हर कोई जानना चाहता है आखिर डीके सुकुमार ने ऐसा क्या किया है। मिल रही है सजा है गुनाहों की या राजनीतिक सियासत की लड़ाई की, यह तो बाद में पता चलेगा। बेगुनाहों को कोई गुनाह नहीं दिख कर सकता और कोई सजा भी नहीं दे सकता। सभी को जानने की इच्छा थी, इसलिए पोलटाक ने इस पर रिसर्च किया। डीके सुकुमार निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, मगर उन्होंने पार्टी नहीं बदली। जब कांग्रेस गर्दिश में रही, तब भी कर्नाटक में कांग्रेस का पंजा जो है वो खिलता हुआ नजर आया। बताया जाता है डीके सुकुमार का उसमें बड़ा रोल है। अभी वहां पर उपचुनाव होने होंगे कम से कम 20 सीटों पर, उसमें डीके सुकुमार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हो सकता है इसी के चलते डीके सुकुमार को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। छवि धूमिल होने के बाद अब राजनीति में खत्म हो जाते हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई, मगर वो साउथ है, वहां पर छवि धूमिल होने के बाद ही छवि बनती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु में देखा जा सकता है। कनिमोझी ए राजा डी राजा जितने थे सभी इस समय चुनाव मैदान में उतरे थे और सभी जीते और सभी इस समय सांसद हैं। तमिलनाडु कर्नाटक केरल का जो मिजाज है वो है वो सामने होगा। तो दोस्तों पोलटाक को देखते रहिए, हम एक और शख्सियत की कहानी लेकर के सामने आएंगे। और हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।